अगर ये ब्लॉग नहीं चल रहा होता तो कहते नहीं नहीं अपनी क्यों नहीं मंगवाई। वीडियो के सामने जो है अच्छे अच्छे लोग। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के हो रहे हैं 8:15 और हम लोग हैं अभी ऊटी में। भाई रात में कल यहाँ पे आ पाए थे और कल तो जो है काफी ज्यादा यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही थी। अभी मौसम खुल गया है और एक दो दिन एकदम मस्त धूप निकलेगी, उसके बाद में फिर बारिश जो है वो दिख रही है। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं भाई, ब्रश कर लिया है और अनीश अनाया भी उठ गई है, मैंने इन्हें उठाया। ये लोग तो इतने अच्छे मौसम में जो है उठने का इनका मूड नहीं, इतना लेट ये लोग उठे हैं जबकि घर पे जल्दी उठ जाते हैं। बाहर का आपको सीन दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि जो है नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बाहर का सीन दिखाएंगे। तो बाहर का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से क्या मस्त ग्रीनरी है और सामने ये आप देख पा रहे होंगे एक चर्च है और इस चर्च में भी हम लोग चलेंगे। तो ये हम लोगों की बालकनी है, इधर ये जो है तीन चेयर्स पड़ी हैं, काफी सारे प्लांट्स वगैरह लगे हैं, वही प्लांट्स हैं जो हम लोगों के यहाँ मिलते हैं। और इधर से जो है एक के नीचे जाने का भी रास्ता है, इधर से हम लोग जो है वो बाहर जा सकते हैं। बट यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा वो है ग्रीनरी वाला, भाई बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। और ये इधर जो है पीछे काफी सारे होटल्स वगैरह बने हैं, घर बने हैं। इस साइड में होटल्स कम, एक्चुअली वो बीएनबी होता है ना, बीएनबी वाला कॉन्सेप्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट। मतलब उसमें क्या होता है कि एक होम टाइप का आपको मिल जाएगा, घर की फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम होटल में नहीं है घर पे हैं, तो उस तरीके की कुछ फीलिंग आएगी। वही इधर जो है पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे घर हैं जो कि एज ए होटल यूज किए जा रहे हैं। काफी अच्छी जगह है, काफी स्पेशियस जगह है और हम लोग जो है ऊटी में जो नीलगिरी हिल्स हैं तो उसमें टॉप पे हैं। तो यहाँ से पहाड़ वहाड़ जो है नहीं दिखेंगे, सामने है वो है पहाड़ है और काफी शांत एरिया है। तो ये रूम जो है इस तरीके का है, थोड़ा सा मैंने सही कर दिया है रूम, बाय द वे मैंने कल दिखाई दिया था। तो अभी चलते हैं बाहर, जो सिटिंग एरिया है वो थोड़ा सा दिखाते हैं, फिर नीचे चलेंगे, फिर आपको जो है यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स वगैरह हैं वो सभी दिखाएंगे। तो ये हम लोगों का सिटिंग एरिया है, यहाँ पे सोफा पड़ा है, इस पे बैठ सकते हैं और ये टेबल पूल है तो इसे भी हम लोग जो है खेलेंगे। ये आई थिंक 3-4 लाख रुपए की टेबल आती होगी पूरा सेटअप ये। और इधर काफी सारी बुक्स वगैरह हैं, जो भी चाहिए हो वो ले सकते हैं। और इधर कैरम बोर्ड भी है, ये देखो कैरम बोर्ड है जो कि सनाई के साथ मैं खेलूंगा। और ये है कैरम के साथ में, ये टेबल पूल के लिए ही है, इससे ही जो है वो स्टिक है, इससे ही हिट किया जाता है। तो हम लोग जहाँ पे रुके हैं काफी अच्छी जगह है और काफी ज्यादा स्पेस है, पूरा भीड़ भाड़ नहीं है। और इधर बाहर ये कुछ प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल जो है मैं बाहर आ गया हूँ और ये सामने वाला जो है हम लोगों का रूम है, यही बालकनी है। और होटल के अंदर आई थिंक एकमात्र रूम है जिसमें बालकनी है और जो कि हम लोगों का रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे ही फर्स्ट रूम। सामने ये चर्च है जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इधर से एंट्री होती है। काफी ज्यादा हरियाली है, ये देखो पेड़, पता नहीं क्या आम जैसा लग रहा है बट आम का नहीं है, पार्क जैसा बना दिया, पार्क तो नहीं कह सकते बट पार्क का ही है। अगर बड़ा हो तो ये जो है पूरा घूमने वाला एरिया हो जाएगा, बीच में भी ये लगा हुआ है पेड़ एक, और इधर ही है सारा। पार्किंग थोड़ी सी छोटी है बट 3-4 कार आराम से जो है खड़ी हो जाती। तो अनीश नायक का मैं वेट कर रहा हूँ, वो लोग नीचे आ जाएं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर जो है थोड़ा सा चलेंगे बाहर, देख के आएंगे भाई ऊटी कैसा है। शनाया के पेट में दर्द हो रहा है तो इनका पेट सही कर देते हैं। अब फोन आप मत देखना ठीक है, फोन से ही पेट में दर्द होता है। ओके, क्या नहीं टीवी से होता है, फोन से नहीं होता है? नहीं बेटू, फोन देखने से जो है एक तो आईज में होता है और पेट में भी होता है। ओके, फोन आपको नहीं देखना। अनी भी फिलहाल रेडी हो गई हैं और काफी लेट आज उठी हैं। भाई यहाँ कोई कहने वाला था या नहीं, कितना भी सो मस्त, कितना लेट उठा है। फिलहाल भटूरा और भाजी आ गई है, भटूरा मैं खाता नहीं इसलिए मैंने अपने लिए प्लेन पराठा ऑर्डर किया है, तो वो आ जाए फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तक उन्होंने जो है मुझे ब्रेड और बटर दे दिया है, पहले आप खा लीजिए थोड़ा सा। और शनायक जो है यहाँ बैठा दिया है चेयर पे, थोड़ा सा जो है इन्हें मस्ती करनी है। बेटू अच्छा लग रहा है आपको? ये इसकी ये देखो, ये पत्ती कुछ इस तरीके की है और ये फ्लावर जैसा बन गया है, ये देखो अंदर से। एक इधर भी है, ये सिर्फ मैंने ऊटी में ही देखा, कहीं भी नहीं देखा। नहीं अपना उधर जो है मस्त सूट कर रही है कुछ। हेलो, मुझे भी ले लीजिए अपने ब्लॉग में। हाय, बहुत ही ज्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर है। हम लोग हाँ एक दूसरे का पकड़ के इस तरीके से वॉक कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है बाहर आ गए हैं और अभी हम लोग जो है थोड़ा हाइट की तरफ जा रहे हैं। सामने का नजारा कुछ इस तरीके का है और हम लोगों की बैक साइड में ये मस्त जो है नजारा है, पूरा ऊटी सिटी है, इधर तक पूरा ऊटी सिटी है। थोड़ा सा सामान चाहिए है शनाया को, कुछ क्या बॉल चाहिए?
आए को पापा जी ने बॉल दिला दी ये, थैंक यू नहीं बोला बेटू दिलाई है यार, ये तो गलत है, पापा ने दिलाई, मम्मा ने दिलाई, पापा ने दिलाई कि पापा ने दिलाई, झूठ बोलती हो। और आज जो है मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड किया है ऊटी में आके, ऐसे यानी का जो है वो था कि एक शॉर्ट वीडियो आपने कभी नहीं डाला तो एक यूट्यूब पे जो है यूट्यूब शॉर्ट बना के डाल दीजिए, तो मैंने पूरा ऊटी का नज़ारा जो है छत से दिखा दिया था। फिलहाल मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और इधर देखो फुल बादल आ गए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अभी हम लोगों का प्लान था बाहर जाने का, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अनी को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इन्होंने जो है मेरा हुडी डाल लिया है। पहले तो ये अपना लेके नहीं आए भाई, खुद सुना है कि मैं लेके आया हूँ दो कपड़े घर से, ये ऐसे ही चली आई और मैं अपने लिए जो लेके आया था ये इन्होंने मेरा पहना। तो ठंड काफी बढ़ गई, अगर बारिश हो गई ना तो फिर तो और ठंड पड़ जाएगी, मुझे भी मे भी पहनना पड़ेगा। अभी हम लोग एक्चुअली बाहर जाने का सोच रहे थे, अनी को हल्का कोल्ड हो रहा है तो उनके लिए कुछ मेडिसिन लेनी है, साथ में गर्मा गर्म कॉफी पिलानी है। फिलहाल अनी की गर्मा गर्म कॉफी आ गई है। शनाया आपको चॉकलेट मिल्क चाहिए? ये जब भी देखो अपना ये कृष्णा वाली पोजीशन में आ जाती है। ये शी लव्स कृष्णा, ये गोपी बन गई है, ये देखो कृष्णा बन गया। क्या कर रहा है मेरा कृष्णा, बांसुरी बजा रहा है क्या? मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ थोड़ी आपकी कॉफी, ले लूं? ऊपरी मन से बोल रही है, नहीं ब्लॉग नहीं चल रहा होता तो कहती नहीं नहीं अपनी क्यों नहीं मंगवाई, मुझे नहीं शेयर करना है। सनाया से कहती है शेयरिंग इज केयरिंग। वाह, वीडियो के सामने जो है अच्छे अच्छे लोग मतलब हाँ बदल जाते हैं, वैसे कुछ होते हैं अगर वीडियो चल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है वो ड्रोन फ्लाई करेंगे और छत से जो है पूरा ऊटी का नजारा दिखाएंगे। तो फिलहाल हमारा ड्रोन जो है फ्लाई होने के लिए रेडी है। हम लोग बाहर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला ले लिया है क्योंकि भाई बारिश कभी भी हो सकती है। क्या ये क्या है? अम्ब्रेला, आपको नहीं पता अम्ब्रेला है? हाँ। और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, नहीं खुल रहा है ना, लग रहा फंस गया है। ए, बेबी रो रहा है ना, स्पाइसी स्पॉट। सो सनाया जो है काफी ज्यादा परेशान है चीज को लेके कि बेबी रो क्यों रहा है, कोई भी वीडियो आ जाएगा तो खुद रोना शुरू कर देती है। डोनट लेना है आपको? डोनट ये चोकलेट, अरे मिल गया डोनट मिल गया फाइनली उसे। हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे जो है, वॉक करते हुए कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ आए हैं। रोड पे ही शॉप्स लगी हुई हैं, साइड में ही शॉप्स लगी छोटी छोटी सी, अच्छी लग रही है। शुभाया तो पक्का कुछ ना कुछ मांगेगी जरूर, कुछ खाएंगे। लंच भी मतलब ब्रेकफास्ट किया था, इतनी भूख नहीं है पर कुछ ना कुछ तो लंच करना ही है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। और सामने रहा जो है एक सिनेमा हॉल, कोई मूवी लगी है, पता नहीं कौन सी लगी है भाई, यहीं की लैंग्वेज में लिखा है, काफी पुराना सिनेमा हॉल लग रहा है। और ये है वॉकिंग स्ट्रीट, सराया जो भी देख रही है उसे चाहिए। क्या हुआ? डक चाहिए, डक चाहिए, अभी दिला देंगे पापा। इनका भाई मोमो ट्राई करते हैं, दार्जिलिंग स्पाइसी मोमो एंड सूप। बट बंद है क्या? नहीं है तो फिलहाल सूप आ चुका है, सूप ट्राई करते हैं। मोमो आ चुके हैं और केले के पत्ते पे है मोमो, टाइम जो है केले के पत्ते पे ट्राई कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ देखते हैं कैसा है टेस्ट। इतना मोमो के अंदर मैदा एक्स्ट्रा निकला जो कि मैंने नहीं खाया, खास नहीं है। बस फ्राइड राइस, थोड़ा सा ट्रैफिक भी देख लीजिए, ये है कुछ ऊटी का मेन मार्केट पे। फिल्टर कॉफी ट्राई करेंगे, एक्चुअली फिल्टर कॉफी मिल नहीं पाई क्योंकि सारी कॉफी गिर गई है, तो हम लोग कैपचिनो ट्राई करेंगे।
कड़वा। कॉफी तो कड़वी होती है। कोल्ड कॉफी रेडी करा रहे हैं। हेजलनट भाई बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं कॉफी बनाने में। कितने साल से आप कॉफी बना रहे हो? कितने सालों से? साल नहीं हुए अभी तक। काफी टेस्टी है बट थोड़ा सा मीठी ज्यादा। परफेक्ट फ्लेवर। फिलहाल शॉपिंग भी हो गई है। अनी ने अपने लिए जो है स्वेटर खरीद लिया। शनाया सो के उठ चुकी हैं और उठते ही उन्होंने अपना डोनट पकड़ लिया। अरे वाह, इतनी ज्यादा भूख लग गई। कैसा लग रहा है बिट्टू? सैंडविच ये मेरा है और ये अनी का है, पता नहीं क्या है। शाम हो चुकी है और अभी मैं एडिटिंग करने बैठा। मैंने कहा भाई ब्लॉग वगैरह काफी दिनों से एडिट नहीं हो पाया तो आधा ब्लॉग एडिट हो गया था। उसके बाद अनी ने बोला कि जाओ सना के लिए मिल्क लेके आना है, कहीं पास में शॉप है, क्योंकि इनके यहाँ मिल रहा है वो मतलब टोन वाला है जो सना पीती नहीं है, तो फुल क्रीम ले लेते हैं और कैटल में उसे जो है बॉइल कर लेंगे, वही उसे ज्यादा पसंद है। सामने लाइट्स वगैरह जल चुकी हैं ऊटी में। फिलहाल डिनर वगैरह हो गया, ब्लॉग भी एडिट हो गया है और अभी मैं बालकनी में आ गया हूँ। जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है 24 आवर्स में एक बार बारिश हो जाती है। और आपकी क्या हालत है? बहुत खराब। का जो है पूरा गला वगैरह खराब हो चुका है, मौसम को ये झेल नहीं पाई। हर बंदे की बस की बात नहीं होती भाई, मौसम वगैरह चेंज हो तो जो है जो अंदर से ज्यादा जो है थोड़ा सा हेल्दी होते हैं उन लोगों की तबीयत जल्दी नहीं खराब होती। इनका जरा सा मौसम इधर उधर हुआ, इनका काम शुरू। और कल सुबह हम लोगों को जो है ऊटी और एक और जगह है जो कि यहाँ की फेमस है वो एक्सप्लोर करनी है। जो साइट सीन होता है ना वो हम लोगों ने नहीं किया आज, तो हम लोग जो है सिर्फ ऊटी सिटी वगैरह जो है वो हम लोगों ने देखा था। तो कल से भाई जो है पूरा काम शुरू होने वाला है। सुबह 9 बजे तक रेडी होना है, सारा जितना भी साइट सीन वगैरह वो सब कवर करेंगे। तो जो भी होगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।